आप चेक करते हैं, ठीक है, अगर इसके यूनिट्स यानी कि 10 बच गए हैं, लाइक आप जब ऐड टू कार्ट करते हैं और मैक्सिमम लिमिट पे रखते हैं, तो वहाँ पे अगर वो 10 यूनिट शो कर रहा है, तो इसका मतलब वो इसके जो 6 यूनिट है वो निकल गए हैं एक दिन में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसकी मंथली सेल 180 यूनिट्स की सेल है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके प्रोडक्ट प्राइस के साथ। तो प्रोडक्ट प्राइस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आपको रेवेन्यू भी मिल जाएगा, और इसके रिव्यूज़ भी आपको ऑलरेडी शो हो रहे होंगे कितने रिव्यूज़ हैं, तो इससे आपको पता चलेगा हम कम्पीट कर सकते हैं इसके साथ या नहीं कर सकते। तो तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, तो इस तरह आप मैनुअली इसको प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। और आपको कीवर्ड्स आइडियाज़ कहाँ से आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से भी सजेशन एक्सपेंडर से आप कीवर्ड्स के आइडियाज़ ले सकते हैं। लाइक अब हमने एक बैम्बो प्लेट्स को सर्च किया, आप बैम्बो प्लेट्स के डिफरेंट कीवर्ड भी आ रहे हैं, आप बैम्बो लिखें, ठीक है, बैम्बो लिखते हैं तो आपके पास डिफरेंट कीवर्ड आ जाएंगे, बैम्बो शीट्स आ गए, बैम्बो पिलू आ गए, बैम्बो, ये सब किस वजह से आ रहे हैं, ये तो फर्स्ट पेज पे जो फर्स्ट वो लाइन आती है, ये तो सिर्फ अमेजोन खुद सजेस्ट करता है। अगर अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर आपके पास मौजूद भी नहीं है, अगर अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर है, तो ये तमाम जो 3 ऑलरेडी जो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इसके आगे ए लिखें, ठीक है, ए लिखेंगे तो और कीवर्ड बढ़ रहे आएंगे, ठीक है। अगर इसके आगे बी लिखते हैं हम, तो बी लिखते हैं तो और कीवर्ड आ जाएंगे, अगर हम इसके आगे सी लिखते हैं तो और कीवर्ड आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह आपने कीवर्ड्स की गेम लगा दें, आपके पास डिफरेंट कीवर्ड हैं, जितने ज़्यादा कीवर्ड होंगे उतने ज़्यादा आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और उस पर अपना क्राइटेरिया पुट करेंगे। और फिर जब क्राइटेरिया पुट करेंगे, अगर क्राइटेरिया आपके यानी कि प्रोडक्ट के मुताबिक आ जाता है, यानी प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया के मुताबिक आ जाए, देन आपने क्या करना है, उसको आगे मूव ऑन करना है कि किस तरह हमने इसको लेकर जाना है, लाइक इसके पेटेंट के सर्च करना है, कंपटीटर इसके चूज करना है मैनुअली उसी तरह, ठीक है। आज मैं आपको ये भी बता देता हूँ इसके साथ कि आपने अपने जो कंपटीटर चूज़ की है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आपके पास फॉर एग्जांपल आपने कंपटीटर चूज़ किया है इसको, ठीक है, इसको आपने कंपटीटर अपना चूज़ किया, आपने क्या करना है, यहाँ पे अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर पे क्लिक करना है, ठीक है, अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर पे क्लिक करना है आपने, यहाँ पे आएंगे फर्स्ट वाले वाले, ठीक है, यहाँ पे आपने आ जाना है, देन आपने क्या करना है, इसका एसएम कॉपी कर लेना है। यहाँ से आप इसका एसएम कॉपी करेंगे, किस तरह हम उसका प्रॉफिट मार्जिन चेक कर सकें कि हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, अगर हम सोर्सिंग प्राइस और तमाम चीज़ें हम काउंट करने के बाद, अमेजोन फीस काटने के बाद हमें कितना प्रॉफिट बचेगा अगर हम इस कंपटीटर के साथ जाते हैं कि लाइक इसकी प्रोडक्ट हम सेल करेंगे अपने ब्रांड के साथ, तो हमें कितना प्रॉफिट बचेगा। तो आपने यहाँ पे एसएम को पुट करना है, सर्च पे क्लिक करना है, साथ साथ यहाँ से मार्केट भी आप चूज़ करेंगे, ठीक है, जो उस मार्केट में आप कर लें। तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है कि आपने जिस प्राइस पे आप प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो वो प्राइस आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे वो 32.99 की सेल कर रहा है, तो $1 हम कम सेल करेंगे, तो हम क्या लिखें, 31.99 लिखेंगे। और हमें क्या शिप टू अमेज़न, यानी कि हमें शॉर्टिंग प्राइस कितनी लग रही है, लाइक हम अगर किसी भी सप्लायर से ले रहे, लाइक चाइना से ले रहे हैं, किसी भी सप्लायर से ले रहे हैं, तो हमें सोर्सिंग प्राइस कितनी मिल रही है, ठीक है। तो आपने साथ अलीबाबा को भी सर्च कर लेना है, अलीबाबा भी जाकर वही कीवर्ड लिखना है, बैम्बो प्लेट्स का, बैम्बो प्लेट्स का आप कीवर्ड लिखेंगे तो आपको यानी कि प्राइस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने या आपने पिक्चर इसकी ले लेनी है, कॉपी डाउनलोड कर लेनी है और वहाँ पे सर्च कर लेनी है, तो आपको यहाँ से भी आप मिल जाएगा प्राइस के एवरेज प्राइस क्या चल रही है। अगर हमें एवरेज प्राइस पर प्लेट्स पर पड़ रही है $0.01 की पड़ रही है, तो हम वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, या अगर हमें मिल रहा है लाइक वो कितने का सेल कर रहा है, ये सेट प्लेट्स 9 इंच पैक ऑफ 25 का सेल कर रहा है, ठीक है, 9 इंच का 25 का, हम 30 पीसेस का सेट सेल करेंगे, ठीक है, हमें मिल रहा है 30 पीसेस का सेट लाइक $9 का इंक्लूड शिपिंग, ठीक है, $9 का इंक्लूड शिपिंग है हमें प्राइस मिल रही है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 9 पॉइंट या $10 की मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम एक यूनिट की हम बताना यानी कि चेक करना चाहते हैं कि हमें एक यूनिट अगर हमारा एक सेट सेल होता है तो हमें कितना प्रॉफिट बच सकता है अगर हम इस कंपटीटर के साथ जाते हैं। हमने वो प्रॉफिट मार्जिन चेक करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी इधर यानी कि पुट कर दी है, लाइक जो हमें सोर्सिंग प्राइस, लाइक सोर्सिंग प्राइस भी इंक्लूड है और सप्लाई की प्राइस भी इंक्लूड है, लाइक प्रोडक्ट की जो 30 पीसेस का सेट है उसकी प्राइस $8 है, और अगर $2 हमें शिपिंग प्राइस पड़ रही है पर पीस की, पर सेट की, तो वो प्राइस भी हमने इंक्लूड कर लेनी है, और हमारे पास 10% का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे 10 पुट कर दिए, और सिंपली ये तमाम पुट करने के बाद आपने क्या करना है, कैलकुलेटर की तरह लाएँ, कैलकुलेटर
कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मालूम हो जाएगा आपके पास कितना प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। यहाँ पे आपको एम सेलिंग और अमेजोन फीस, लाइक अमेजोन पे जो सेल हो रही है ये फीस आ रही है, ठीक है। रेफर फीस होती है जब